1649 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के राजा पेडा वेंकट राय से कोरोमंडल तट चंद्रगिरी में जमीन खरीदी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले मद्रास महत्वपूर्ण राजवंशों पल्लव, चोल, पांडे और विजयनगर की प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वेंकट राय ने अंग्रेजी व्यापारियों को यहाँ एक फैक्ट्री और गोदाम बनाने की अनुमति दी। एक वर्ष बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने यहाँ सेंट जॉर्ज किला बनवाया, जो औपनिवेशिक गतिविधियों का गढ़ बना। 1746 में मद्रास और सेंट जॉर्ज के किले पर फ्रांसीसी फौजों ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसे बाद में ब्रितानी कंपनी ने 1749 में एक्स-ला शापेल संधि के तहत हासिल कर लिया। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिशों ने सेंट जॉर्ज और आसपास के इलाके का विस्तार कर लगभग पूरे आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को अपने अधीन कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की और मद्रास को यहाँ की राजधानी घोषित कर दिया। 1922 में आज एक दिन मशहूर व्यंगकार हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। परसाई हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। इन्होंने व्यंग विधा को हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। केवल 18 वर्ष की उम्र में परसाई ने जंगल विभाग में नौकरी की। 1957 में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौरा, ज्वाला और जल, सदाचार का ताबीज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1978 में आज एक दिन केन्या के संस्थापक और राष्ट्रपति जोमो केन्याता का निधन हुआ था। कहा जाता है कि केन्याता का निधन नींद के दौरान हुआ था। उनकी अचानक हुई मौत से लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। उनके निधन पर शोक जताने के लिए केन्या की राजधानी नैरोबी और अन्य शहरों में सभी दुकानों और कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया था। केन्याता ने केन्या के स्वतंत्रता संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके योगदान की वजह से 1963 में केन्या को ब्रितानी राज से आजादी मिली थी। 2006 में आज एक दिन रूस का टुपलो 154 यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 170 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में 39 बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे के बाद यूक्रेन और रूस दोनों देशों ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी थी। यह विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि विमान किसी हादसे का शिकार हुआ होगा। माना जाता है कि हादसा खराब मौसम या किसी अन्य गड़बड़ी की वजह से हुआ। यूक्रेन के अधिकारियों की माने तो विमान में आग लग गई थी और चालक दल ने आपात लैंडिंग की कोशिश की, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ।